उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं और अब एक एक कर हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो इस चुनाव में न सिर्फ महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए बल्कि कई तो ऐसे थे जिन्होंने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को चौंका कर रख दिया। ऐसे ही एक शख्सियत हैं कन्नौज सदर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए असीम अरुण जी। आईपीएस रहे हैं, देशभक्ति उनकी नस नस में है, पिता पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश रह चुके हैं और अब खुद असीम अरुण जी विधायक हैं कन्नौज सदर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। पहले तो चूंकि आपका पूरा जो तजुर्बा रहा है 94 ऑनवर्ड्स एक आईपीएस का रहा है, एक आईपीएस जब खुद को राजनेता के रूप में देखता है तो कैसे? इसमें जो समानता है असमानता है मैं दोनों बताने का प्रयास करता हूँ। समानता यह है कि पुलिस की नौकरी में या भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मिशन वही है। मिशन क्या है? सामाजिक न्याय करना, विकास बढ़ाना, सुरक्षा रखना। लेकिन जो असमानता है वो ये है कि पुलिस में आदेश पे काम चलता है, कोई सवाल नहीं पूछता है और पालन किया जाता है उसका। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी में अनुरोध पे काम चलता है। कारण कि यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वेतन किसी को नहीं मिलता है, सब लोग स्वयं सेवक हैं। अपना सबसे महत्वपूर्ण अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय देते हैं, संसाधन देते हैं, अपने मन से आके काम करते हैं। तो जहाँ पे अनुरोध की बात होती है वहाँ पे ज़रूरी है सबको संतुष्ट करना, कन्विंस करना कि ये काम हम करना चाहते हैं, क्या मिलके करें और सब संतुष्ट होते हैं तो होता है। और पुलिस में आदेश होता है, संतुष्ट हो या न्याय व्यक्ति वो उसके आदेश की तामील करता है। तो आदेश और अनुरोध ये दो परिवर्तन हैं, अंतर हैं और मिशन वही है दोनों में। कानपुर के आप कमिश्नर थे और अचानक सूर्योदय होता है, पता चलता है कि आपने इस्तीफा दे दिया, हम जैसे पत्रकारों को कंफर्म करने में पसीने छूट गए। ये अचानक कैसे, या कुछ चल रहा था और वक्त अब आया और फिर बीजेपी ही क्यों? ये कुछ अलग सी बात है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा मन पुलिस से भर गया था और राजनीति करने का मन कर रहा था। मैं पुलिस की नौकरी बड़े दिल से कर रहा था और मुझे अपनी वर्दी बहुत प्यारी थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है कि नए नेतृत्व को विकसित किया जाता है यहाँ पे, और मैं उसी का एक उदाहरण हूँ। मैं अकेला उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि अपने प्रोफेशन से, अपनी विशेषज्ञता के कारण, विविधता के कारण आमंत्रित किया गया और वो पार्टी में आए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे 1 जनवरी इस साल के पहले दिन एक सुझाव दिया गया, एक न्योता दिया गया कि आप विचार करिए, पार्टी से जुड़िए, कन्नौज जो आपकी मातृभूमि है उसको अपनी कर्मभूमि बनाने पर विचार करिए। जैसा आप कह रहे हैं ये चौंकाने वाला सुझाव मेरे लिए भी था, लेकिन जब इस पर मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि मैंने एक इंसान के रूप में, एक पुलिसकर्मी के रूप में बहुत सारा योगदान किया। लेकिन मेरा अपना क्षेत्र कन्नौज, जहाँ से मेरे पिताजी एक अत्यंत वंचित जीवन से निकल के आए, मेरा जीवन बहुत सुखप्रद रहा, लेकिन क्या मैं अपने घर के लिए, अपने भाई बहन जो मुझसे 2 कदम पीछे हैं, उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ? तो मुझे लगा नहीं, मैं केवल उनकी पुलिस संबंधी समस्याएं कभी कभी सिफारिश करके हल करा देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा सुझाव था। मेरे पूरे परिवार को लगा कि ये बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, इसमें रिस्क है, लेकिन राजनीति में होना ही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और राजनीति बिना रिस्क के होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे वोट्स के आधार पे लोग आते हैं जाते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन था और इसी आधार पे मैंने और पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि इस राह पे चलेंगे। और अभी तक का सफ़र कठिन रहा है लेकिन आनंद देने वाला रहा है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जिस कन्नौज सदर सीट से असीम जी जीत कर आए हैं, वहां पर बैक टू बैक समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुन करके आते रहे थे, अनिल दोहरे। और बीजेपी जब राम लहर में चुनाव जीती, पहली बार, केवल 3 बार जीती है अब तक उस सीट पे, और पहली बार जब जीती तो 47 वोटों से वो सिर्फ जीती थी। असीम जी, चुनौतियां क्या थीं? आपने जब ये निर्णय हो गया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनौतियां क्या थी क्षेत्र में? जो मजबूती थी वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो पिछले 5 या क्रमशः 7 साल में काम किया है वो सब तक पहुँचा है। लेकिन जो कमज़ोरी थी या जो चुनौती थी कि मेरे पास करीब 25-26 दिन का कैंपेन का समय था और उस समय में लोग मुझको जान पाए। ये लोग जानते हैं कि कन्नौज के रहने वाले नहीं, कि पुलिस अधिकारी हैं, एक व्यक्तिगत रूप से परिचय नहीं था ज़्यादातर लोगों से।
दूसरा लोगों तक परिचय पहुंचाने के अलावा अपनी बात को भी रखना, और इसमें मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया का भी और सोशल मीडिया के प्रयोग का। मेरी अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया और 25 दिन में ही हम लोग अपनी बात को रख पाए और ये मन परिवर्तन हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली एक की समर्थन के लिए, वोट मांगने के लिए, माननीय योगी जी ने की, अन्य वरिष्ठ हमारे नेतृत्व ने की, पूरा समर्थन दिया, संगठन का बहुत समर्थन रहा और मेरा थोड़ा सा योगदान रहा और हम लोग सीट को निकालने में सफल रहे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जिसको बीजेपी अपनी टैगलाइन बना के चलती है, चाल, चरित्र और चेहरा। असीम अरुण जी मेरे ख्याल से एक ऐसे उनके विधायक अब हो चुके हैं जो शायद इन तीनों कैटेगरीज पर बड़े खड़े उतरते हैं। जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट आया, मतगणना केंद्र पर असीम अरुण जी ने तुरंत सफाई की और सबसे पहले वो अनिल दोहरे जी से मिलने गए जो लगातार उस सीट पर तीन बार से विधायक चुने जा रहे थे और हार गए थे असीम अरुण जी से। साथ साथ जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी लौटाई वो भी बड़ी चर्चा में थी। ये जो चीजें हैं वो स्पॉन्टेनियस थी या एक राजनेता की तरह अंदर चल रहा था और बाद में आया? ये शायद पहले दो बातें समान शिष्टाचार की हैं। मेरा कुछ अनुभव रहा जब मैं एमए करने के लिए 2014-15 में वैंकूवर कनाडा में गया तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो जितने लोग कार्यक्रम में हैं वो कार्यक्रम के समापन के बाद स्वयं सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं और जिस प्रकार हॉल या मैदान उनको मिला था बिल्कुल वैसा ही छोड़ करके जाते हैं। तो ये मेरा नायाब आइडिया नहीं है, मैंने कहीं पर देखा अच्छा होता हुआ तो मुझे लगा कि ये मुझे भी करना चाहिए। और अभी कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में हम लोग ने स्टेडियम में भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर के इस काम को बढ़ाने का प्रयास किया था। तो अब मैं विधायक हूँ तो एक नेतृत्व के रूप में केवल एक लोगों के समूह में मैं भी शामिल हो जाऊँ तो शायद वो नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व का ये भी काम है कि कुछ अच्छा कहीं देखा तो उसका अनुसरण भी हम करें। तो मैं ये स्वीकारूंगा कि ये मेरा नायाब आइडिया नहीं है और ऐसा मैंने कहीं होते हुए देखा, उसको मैंने फॉलो किया। दूसरी बात, आदरणीय अनिल दोहरे जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और तीन बार विधायक रहे हैं, उनकी बहुत राजनीतिक गहराई है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ना जैसा आप स्वयं जानते हैं बहुत कठिन काम था, लेकिन वो ना भी होता तो ये भी एक सामान्य शिष्टाचार है क्योंकि चुनाव कोई संग्राम नहीं है। मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ कि जो हम उपमाएँ या मेटाफर देते हैं महासंग्राम आदि की, ये अच्छा नहीं है। हमको प्रतियोगिता, खेलकूद के मेटाफर, उपमाएँ प्रयोग करना चाहिए, और जो कि अनिल जी ने भी इसको समझा, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया और उनका जो 15 साल का अनुभव है उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए और विकास के लिए कन्नौज के क्षेत्र के लिए मिल करके काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि मेरा जाना सफल हुआ। ये तो बड़ी बात है कि आपने जो आपके विरोधी थे उनसे भी अपने पक्ष में उनको भी मोड़ने का काम किया। मेरे ख्याल से अखिलेश जी अगर सुन रहे होंगे आपकी बात, जी आज जब सुनेंगे तो शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि पॉलिटिक्स इन ए न्यू एरा विद न्यू पर्सनैलिटीज। एक चीज़ और भी है जो आप उनकी मदद से चीज़ों को जानेंगे या आपने 25-30 दिन में जो जाना कन्नौज के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, वो चीज़ तो है ही है। एक ऐसी चर्चा भी आई कि आपने अपने इलाके के लोगों के साथ में कुछ व्यक्तिगत रूप से वादे किए उन चीज़ों को समझ करके जो आप अपने इलाके के लिए करना चाहते हैं, तो ये भी मैं चाहूँगा कि ज़रा शेयर करें ताकि और विधायक भी इससे प्रेरणा लें। ये प्रायः सवाल आता था कैंडिडेट ग्रुप में और हर एक के सामने आएगा कि आप कन्नौज के लिए क्या करेंगे। अब ये जवाब बहुत लंबा सा होगा तो इसके लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र का एक संकल्प पत्र तैयार करते हैं जिसके दो हमने काम किए। एक तो सोशल मीडिया से हमने सुझाव आमंत्रित किए, दूसरा हमने ऐसी इनफॉर्मल बैठकें की, फॉर एग्जांपल यूथ के साथ में, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, कृषक आदि के साथ में हमने, और छोटी बैठकें 20-20 लोगों की जिसको फोकस डिस्कशन ग्रुप कहा जा सकता है, और उसको हमने वीडियो शूट भी किया और वो भी हमने सोशल मीडिया पर डाला। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों के सुझाव हमको मिले और हमने उसका संकलन किया। जब प्रदेश स्तर का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया तो हमने उसको अलाइन किया, देखा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रदेश के संकल्प पत्र से मैच ना करती हो। ऐसा कुछ नहीं भी था क्योंकि सिद्धांत वही है, लेकिन फिर भी हमने चेक किया और फिर हमने अपना विधानसभा क्षेत्र का संकल्प पत्र जारी किया। तो अब अगर ये सवाल पूछा जाए या तब पूछा जाए कि आपके वादे क्या हैं, तो हमारे ये वादे हमारे सोशल मीडिया पर पोस्टेड हैं और अब क्योंकि
मतदाताओं का, नागरिकों का सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है। हर 3 माह में हम उसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कहाँ थे, कहाँ चले, कहाँ पहुँचे, और जब पूरा कर लेंगे तो फिर उसमें और आइटम जोड़ेंगे। एक चीज़ ये बड़ी दिलचस्प रहती है कि जैसा आपने आदेश और अनुरोध का जिक्र किया था शुरुआत में ही, जब अब आप समाज सेवी के रूप में सामने आएंगे तो इसमें कई तरीके के हर्डल्स भी आती हैं, उन्हीं महकमों से आती हैं खासतौर से जिसमें आप रहे हैं। कानून व्यवस्था, योगी सरकार और खासतौर से बीजेपी की सरकार का ये एक ब्रांड टैगलाइन रहती है कि हम अच्छी कानून व्यवस्था दे रहे हैं। आपने क्या रीड किया है, चूंकि पुलिस महकमे में रहते हुए आपने बहुत कुछ समझा होगा, अब आप सरकार में होंगे तो क्या चीज है जिनको आपके मार्फत सुधारा जाएगा या बेहतर किया जाएगा? ये सवाल मेरे लिए आसान सवाल है क्योंकि मेरे मूल महकमे संबंधित है और पुलिस संबंधित है, और पुलिस जिसमें मैं फर्स्ट चॉइस से गया था, अब चॉइस से बाहर भी हूँ। मेरा मानना यह है कि पिछले 5 साल में जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, उसका मूल कार्य पुलिस, जेल और प्रोसिक्यूशन ने किया, अभियोजन ने किया, लेकिन अब अगली ऊंचाइयों पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे न्याय सेक्टर, जस्टिस सेक्टर में इसको बोलता हूँ, उसको पूरे को प्रभावी किया जाए। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में पैसा लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सिविल कोर्ट में कोई जाने से हमारे यहाँ संकोच करता है, डरता है कि महीनों लगेंगे, कुछ बाहर से कुछ करा दो, कुछ जुगाड़ करा दो मेरा, ये गलत है। हमको अब आने वाले समय में अपने कोर्ट्स की कार्रवाई को तेज करना है। दूसरा, हमारे अपने क्रिमिनल कोर्ट्स की कार्रवाई को तेज करना है। पुलिस किसी को रंगे हाथों लूट करते हुए पकड़ती है और लेकिन उसकी 6 महीने 8 महीने में जमानत हो जाती है, क्योंकि ट्रायल में उसके सालों लगेंगे। तो ट्रायल में सालों क्यों लगे, क्यों ना उसका ट्रायल ही 6 महीने में पूरा कर दिया जाए, 12 महीने में पूरा कर दिया जाए। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और अगर हम लोग इस पर काम करें, क्योंकि पूरी चेष्टा होगी, किंतु ये मेरा विचार है, प्रदेश स्तर पर इस पर काम होगा, और जब हम समयबद्ध तरीके से मुकदमों का निस्तारण दोनों सिविल और क्रिमिनल का करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था नहीं, न्याय व्यवस्था, जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत आगे बढ़ेगा और हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसा आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं और उस पर शायद ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी चीज़ है फिर कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके बीच का एक टकराव भी है और सामंजस्य भी है। मैं समन्वय बोलूँगा इसको। हाँ, समन्वय। तो इसमें कैसे आपको लगता है कि इस चीज़ को डिलीवर किया जा सकता है, आउटपुट कैसे निकलेगा इसका? जितना मैं समझता हूँ इसको कि न्यायालय की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, एक चुनौती। न्यायालय को समस्त संसाधन कैसे दिए जाए, दूसरी चुनौती। अवसर, न्यायालय को किस तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए कि संसाधनों की आवश्यकता ही खत्म हो जाए या कम हो जाए ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का रोल है, हमारे कानून मंत्रालय का रोल है, और बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है। तो मूल रूप से जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका बनाती है, संसाधन कार्यपालिका उपलब्ध कराती है। तो इसका मैंने समन्वय बोला ना, टकराव या कोई वैसी बात नहीं है, समन्वय की बात है। लेकिन एक मूल उद्देश्य हमको लेके चलना चाहिए कि हम तय करें कि इस तरह के मुकदमे 10 महीने के अंदर निस्तारित हो जाने चाहिए, और उस पर काम करें, कोशिश करें कि सारे नहीं, 90% अगर निस्तारित हो जा रहे हैं तो हम सोचें कि सही है। जैसे कि आपके बिजनेस में या सॉफ्टवेयर में सर्विस लेवल अग्रीमेंट होता है, SLA होता है, इस तरीके से एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट होना चाहिए कि न्याय सेक्टर इतने दिन में ये काम करके दे देगा, फिर हम देखेंगे हमारी कानून व्यवस्था, हमारे न्यायिक व्यवस्था बहुत आगे होगी और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चूंकि एक आपकी पर्सनालिटी इतनी वर्सटाइल है कि एक हिस्सा जिसको आप छोड़ करके आए हैं, मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू थोड़ा सा यादगार रहे आपकी स्मृतियों में भी। कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प हैं असीम साहब के बारे में, और देखिए चेहरे, मुझे आप इमोशनल करने वाले हैं, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये सबसे फेवरेट टॉपिक, और हम मैं लखनऊ का होने के नाते, एक लखनऊइट्स होने के नाते असीम जी पे फख्र भी है, क्यों है वो अभी आगे चर्चा में बात आएगी। असीम जी, स्वॉट का गठन किया, जो ये एक ऐसी टीम है जो तुरंत एक्शन लेती है, गोलियां चल रही हैं उस समय पे ये कूद जाएंगे, और दोनों आंखें खुली रख करके निशाना लगाना, लोगों को रेस्क्यू करना, साथ साथ मानवाधिकारों का भी ध्यान रखना, ऐसी टीम का गठन, देखिए आप कैसी शख्सियत है जिस इन्होंने किया है, इसी दिमाग से निकला, इसी शरीर से वो सारी मेहनत हुई। असीम जी, कैसे आइडिया आया और कितना चुनौती भरा था वो हिस्सा आपके जीवन का?
पुलिस अच्छा काम करे इसके लिए सबसे पहली जरूरत है नीयत अच्छी हो, और नीयत अच्छी है तो उसके बाद विशेषज्ञता होना चाहिए। तो स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स स्वॉट टीम इसको बोलते हैं, और अलीगढ़ में रहते हुए मैंने इसका गठन किया प्रयोग के तौर पे, और आगरा में उसको और आगे और अच्छे परिष्कृत रूप में बढ़ा पाए। और फिर मुझे और अवसर मिला ATS में, तो स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम राज्य स्तर की टीम गठित करने का अनुभव मुझको मिला, लाभ मिला। इसका मैं एक बहुत सफल जो ऑपरेशन हमारा रहा उसी से उदाहरण देना चाहूँगा। आपने लखनऊ की बात की थी उसके लिए कि लखनऊ में ही ठीक यही लगभग समय था पिछला विधानसभा चुनाव, जस्ट अगले दिन पोल था, यानी मार्च 7 को एक एनकाउंटर हमारा हुआ। ISIS का एक आतंकवादी छुपा हुआ था लखनऊ में, सैफुल्ला, और जो उसका ऑपरेशन हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, तो हमने हर संभव प्रयास किया कि उसको अरेस्ट किया जाए। केमिकल एजेंट्स हमने यूज़ किए, उसके परिवार से एक टेलीफोन पे उनकी बात कराई इसलिए उसके अंदर करके, लेकिन जब कुछ भी सफल नहीं हुआ तो फिर हमने एक फेस टू फेस हमारा एनकाउंटर हुआ और उसमें वो अपराधी आतंकवादी मारा गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि हम बोलते हैं कि हमने इनकाउंटर कर दिया, नहीं, इनकाउंटर कर नहीं दिया था, इनकाउंटर हो जाता है। और हमने पूरा प्रयास किया और पूरा मीडिया 12-14 घंटे वहाँ था कि किसी ना किसी तरीके से हम इसको अरेस्ट करें, और मैं उस ऑपरेशन को हाफ सक्सेसफुल मानूंगा, क्योंकि अगर हम उसको जीवित निकाल पाते तो हम उससे बहुत सारी बातें और ले पाते। हालांकि बाद में खैर पूरा गैंग पकड़ा गया, पूरी बातें मिली, लेकिन फेस टू फेस इनकाउंटर में वो मारा गया। पर मुझे अच्छी बातें उसमें कुछ ये लगी कि हमारा कोई पुलिसकर्मी इंजर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत वेल ट्रेंड थे, वेल इक्विप्ड थे। कहीं पे एक भी उस एनकाउंटर की शिकायत मानवाधिकार आयोग में नहीं हुई, परिवार तक ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो संतुष्ट थे। तो पुलिस के ऑपरेशंस इस विशेषज्ञता के होने चाहिए जैसा इस केस में हुआ। हालांकि मैं इसमें अपने आप को 10 में से 5 ही नंबर दूंगा, हम उसको जीवित अरेस्ट कर पाते तो मैं अपने आप को 10 में से 10 देता। जिस एनकाउंटर का जिक्र कर दिया असीम साहब ने, मैं उसी चीज़ को लेकर के बता रहा था कि एक लखनऊ वासी होने के नाते कितना फख्र महसूस होता है कि आपके साथ में ऐसी टीम आपके इर्द गिर्द है जो शहर को सुरक्षित, बड़ा कांड हो सकता था। 2-3 चीज़ें हैं, चूंकि वो हालांकि हिस्सा पुराना हो चुका है, लेकिन उस समय की जो रीडिंग्स थी, चूँकि अब आप सरकार में हैं, मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों पर आप रोशनी डालें। एक तो जिस जगह पर एनकाउंटर आपने किया था वो 2 तरफ से 3 तरफ से खुला हुआ इलाका था, मीडिया को भी, मैं खुद उस समय किसी चैनल में था और वहां से एंकरिंग कर रहा था, ये असीम साहब ने केवल ऐसे इशारा किया था, मींस कि हमने सारी फुटेज रोकी, हम उनके आंख नाक कान बनना नहीं चाहते थे जो सैफुल्ला के आतंकी थे, तो ये आका थे, ये एक 2 उंगली का इशारा था जो मुझे याद है। ये पूरा इलाका अभी भी जब हम इलेक्शन में घूम रहे थे तो ये जो आपका सीतापुर रोड से लेके लखीमपुर वाली रोड और इधर शाहजहांपुर, ये पूरा इलाका सर ऐसा है जो सीधे नेपाल तक अंदर चला जाता है। आज भी इस पे 4 साल के बाद कोई काम नहीं हुआ है, इसको लेकर के आप कितना गंभीर हैं? नहीं, काम बहुत सारा हो रहा है और आई नहीं है जी, मैं बता रहा हूँ जी, आज ही मतलब केवल उस इलाके की बात नहीं करते, पूरे तराई की है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो बहुत अच्छा काम लगातार कर रही है। आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि सहारनपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ जारी है। देखिए, आतंकवाद की जो समस्या है उसका मूल कारण है रेडिकलाइजेशन का, और विदेश से जो आतंकी समूह हैं, विशेषकर ISIS था, अलकायदा था, इसके लोग वहाँ से बैठ करके हमारे यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी बड़ी गहराई है, और हमारा बड़ा ओपन ट्रेडिशन है, और इस्लाम की अगर बात करें तो हमारा सूफी ट्रेडिशन है जो इन चीज़ों से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे युवा बरगला जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, और उसको हमारी ATS लगातार रोकती है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में लोगों को सुधारा गया है, और ये काम लगातार चलता है। ये काम मतलब यद्यपि मैं अब पुलिस में नहीं हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, बट एक पूर्व ATS चीफ के रूप में बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, और उनको बहुत ही शुरुआती स्टेज पे रोक दिया जाता है, और उन लोगों को वापस समान जीवन में लाने का प्रयास किया जाता है, और बहुत सफलता भी मिली है। तो ये काम हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, आपको गिरफ्तारियाँ कभी कभी दिखती हैं, लेकिन काम बहुत सारा होता रहता है। और मैं अपनी उत्तर प्रदेश ATS को आज भी बधाई दूंगा, आज भी उन्होंने एक सफलता प्राप्त की है, काम आगे बढ़ा है, पर बहुत सारा काम ATS का सरफेस के नीचे चलता रहता है। वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं थोड़ा सा, BJP की जो थीम लाइन रही है, एक तो बाबा बुलडोजर, हाँ ये बड़ा पंच लाइन हिट हुई है,
दूसरा कई ऐसे माननीय रहे हैं हमारे बीते समय पे, जिनकी गतिविधियों के बारे में क्या कहा जाए। तो एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी बीते 5 साल में सरकार ने काम किया और आप दूसरे हिस्से में थे, आपको लगता है कि इस हिस्से में आने के बाद वो जो तेजी है, वो जो तत्परता है, क्योंकि आप जैसे अधिकारी तो इधर आ गए, आप पर तो महकमे को भी बड़ा नाज है, तो अभी जो आपने अपनी पीछे की टीम तैयार की है, उससे क्या मैसेज देंगे आप? मेरे पुलिस से बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है हमेशा कि पुलिस को सुपर कॉप नहीं, सुपर सिस्टम चाहिए। और मैं अपने आप को कभी भी सुपर कॉप ना कहलवाऊंगा ना कहलवाना चाहूंगा, वैसे मैं रिटायर भी हूँ, लेकिन सुपर सिस्टम होने चाहिए। और जिस प्रकार योगी सरकार ने काम किया, एक सुपर सिस्टम बनाया है, एक एवरेज पुलिस ऑफिसर, कॉन्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको माहौल अच्छा काम करने को दिया गया, उसको साफ नीयत से काम करने का अवसर दिया गया, सारे संसाधन दिए गए और एक प्रोसेस, एक सिस्टम दिया गया। प्रोसेस में हमेशा और सुधार करने की गुंजाइश रहेगी, जो कि अब मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग और उसको बढ़ाएंगे। जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, तो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या योगी जी ने स्वयं की कि जो बुलडोज़र है ये विनाश का प्रतीक भी है और विकास का प्रतीक भी है। जो माफिया हैं, बदमाश हैं, उनका ज़मीन दोज करता है, और जहाँ कहीं नहर खुदनी होती है, नींव खुदनी होती है, कोई निर्माण कार करना होता है, तो सबसे पहले ये बुलडोज़र आता है जो काम करता है। तो जो बुलडोज़र बाबा की उपाधि आई है, ये बहुत ही अच्छी आई है, बहुत सही आई है, और सुरक्षा के कार्य और विकास के कार्य दोनों का बहुत सुंदर प्रतीक है ये, ऐसा मुझे लगता है। जो कल तक आप जिन लोगों के आदेश लेते थे, आज उनके साथ में सदन में बैठ करके चर्चा होगी, सामने से बहुत सारे सवाल आएंगे आपकी तरफ से, बहुत सारे जवाब जाएंगे सरकार की तरफ से, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जो एक मार्का सेट करके आप आए हैं, उन चीज़ों को यहाँ राजनीति में, मतलब मैं चुनाव जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ, वो आपको लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जो अभी सिनेरियो है ख़ास तौर से कि हम देख लेंगे या हम बता देंगे या नतीजे आने दो, अधिकारियों को धमकाना, इन चीज़ों से बाहर निकलेगी पॉलिटिक्स? मुझे पूरा विश्वास है बाहर निकलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं आपको कन्नौज की ही बात बताऊं, कन्नौज में मतगणना होने से कुछ समय पहले तक और मतदान से कुछ समय पहले तक बहुत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा था कि अब सरकार आ रही है, और उनका आचरण देख करके सभी को शर्म आ रही थी। वो क्या है वो आप भी जानते हैं, उसकी पराकाष्ठा तो हो गई 18 या 19 तारीख को, जहां मतगणना स्थल था मंडी समिति, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकारी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, और जो ऑब्जर्वर थे उनके वाहन को खोल के चेक करना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है कि ऑब्जर्वर जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा, उसकी गाड़ी खोल करके एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जा करके चेक करेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विजय के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ना हमने कोई विजय जुलूस निकाला, ना कहीं और कोई विजय जुलूस निकला, ना हमने कहीं गोली चलाई फायरिंग करने के लिए, ना कहीं और कोई फायरिंग की गई। हाँ, संयमित तौर से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कानून के राज पे विश्वास करती है, और जो भी काम होगा कानून के आधार पे होगा, और जब कभी कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ एक रूपता से कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। असीम जी ने कई सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए हैं, एक नई उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है राजनीति में भी, अपने क्षेत्र में भी, और साथ साथ उन तमाम लोगों में जो आज सिस्टम के उस हिस्से में हैं, सिस्टम के इस हिस्से में आकर के, दूसरी तरफ आकर के किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी आज एक जीती जागती मिसाल असीम अरुण जी हैं। हम अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।